हेलो एवरी वन वेलकम टू डेज वीडियो मेरी फ्लाइट है थोड़ी देर में तो मैं क्विकली एक अपडेट देना चाहता हूँ उसके बाद हमारी सेकेंड ट्रिप ऑफ द मंथ स्टार्ट हो जाएगी एंड जब ट्रिप स्टार्ट होती है सबको पता है क्या होता है तो लेट्स इस बार होता है या नहीं होता है तो सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के फोर आर चार्ट की साइड एंड बिटकॉइन के फोर आर चार्ट में हम अपनी इस चैनल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं एंड आप देख सकते हो कि दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट यहाँ से मार्केट ऊपर गया कल भी हमने देखा कि 19,200 डॉलर्स डॉलर तक मार्केट ऊपर गया है तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस की एक लेट इन द स्टेज बाउंस आएगा एंड हमने इस पर काफ़ी अच्छे ट्रेड्स लिए हैं तो कल हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया था एक बी का एंड हमारा जो इथीरियम का लॉन्ग था जिसपे मुझे कल इतनी गालियाँ पड़ी हैं जैसे कि मैंने बोला ही नहीं था कि ये रिस्की लॉन्ग है तो यहाँ पे वो भी हमारा पॉजिटिव हो गया एंड हमने जो अच्छे पैसे बनाए हैं बी लॉन्ग में वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाया एंड करेंटली अगर हम देखें तो मैंने अपना बी लॉन्ग कल क्लोज कर दिया था एंड हमारा जो इथीरियम लॉन्ग है उसको मैंने थोड़ा सा जिशन साइज कम कर दिया है तो नाउ वी आर एट अराउंड वन परसेंट के आसपास का प्रॉफिट तो कोई लॉस में है जो मुझे कल का दे रहे थे वो अब अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं एंड आगे से ट्रेड्स ना ही लें क्योंकि मैं अपनी वीडियोस पर ट्रेड्स नहीं देता हूं मैं बस शेयर करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं उसको कॉपी करना हमेशा आपके लिए रिस्की रहेगा तो नेक्स्ट लेट्स बात करते हैं कि आज क्या होने वाला है आज है 12 अक्टूबर एंड आज रिलीज होंगे फेड के मीटिंग्स के मिनट्स तो जब भी ये मिनट्स रिलीज होते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि नेक्स्ट सी क्या होने वाला है एंड जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसका क्या प्लान है सेवेंटी फाइव बीपीएस होगी 100 बीपीएस होगी उसकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं तो आज का मार्केट वॉलिटाइल रहेगा कल सीपीआई के नंबर्स आ रहे हैं US के उसके बाद भी हम वॉलिटिलिटी देखेंगे मार्केट में तो यूएस के सी अगर हम देखें तो दिस इज दार्ज हम बात करते हैं तो यूएस का सीपीआई लास्ट टाइम टॉप ऑफ किया था एंड उसके बाद नीचे आया था उसके बाद लेकिन यहां पर ज्यादा नीचे नहीं आया तो इसके कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई एंड हमने मेगा डंप देखा अगर कल भी सीपीआई हम देखते हैं कि इससे नीचे नहीं आता है एट पॉइंट थ्री से नीचे नहीं आता है उसके बराबर या उससे ज्यादा आता है तो मार्केट में हैवी डंप आ सकता है क्योंकि इसका मतलब है कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कंटिन्यू करेंगे एंड मार्केट्स ब्लीड करेंगे करंटली हम देखें तो मार्केट थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं कल काफी डंप आ गया है एंड आज थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिविटी लग रही है मार्केट में तो मार्केट अच्छा ऊपर की साइड खुलेगा लेकिन इसका विक्स जो है नेगेटिव टू है तो इन दी एंड ऑफ द डे मार्केट माइट गो डाउन तो अगर मार्केट हमारे पास पंप होता है एंड फेड की मीटिंग के, के मिनट्स थोड़े से भी ग्रिम लगते हैं तो आई एल ओपन अ शॉर्ट नाउ क्योंकि कि हमारे पास विक्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है एंड हम देख रहे हैं कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो कंटिन्यू कर रहा है फिट का प्लान यहाँ पे कंटिन्यूड है ऑल राइट right, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बिल्ड करेंगे तो मेरी नजर मेरी रहेगी इथियरियम पे ही फॉर अ शॉर्ट क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं एंड ये ब्रेक होता है तो काफी अच्छा डंप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है बाकी सारे जो क्वाइंस हैं उन्होंने इतना ज्यादा गेन नहीं किया है कि वहां पे बड़ा डंप हम एक्सपेक्ट करके चले लेकिन इज अनदर क्वाइन जिसप मेरी नजर बनी रहेगी सोलाना पे भी मेरी नजर रहेगी इन सब पे शॉर्ट खोले जाएंगे अगर हमारे पास जो सीपीआई डेटा है वो ढंग से नहीं आता है फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं है मार्केट में वी विल आर गोइंग टू वेट फॉर दी अनाउंसमेंट एंड अपने इस ट्रेड को हम फिलहाल मैनेज करेंगे सो ना आगे मेरी क्या एक्सपेक्ट सीपीआई से एंड इंटरेस्ट रेट हाइक से वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की और आपने जैसे कि टाइटल में देखा होगा विन आईफोन फोर्टीन तो क्या चल रहा है ये तो जम डॉट ट्रेड एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें वो हंड्रेड विनर्स को देने वाले हैं बीएमडब्ल्यू बाइक्स आई फोन फोर्टी एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन फाइव तो किस तरीके से आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और कैसे आप ये जीत सकते हो तो, तो आप में से काफी लोगों को पता होगा जमडॉट ट्रेड जिनके साथ हमने पहले भी काम किया है तो ये एक एन एफ टी बेस्ड प्ले टू अर्न गेम है जिसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो एंड उसमें यूएसडी अर्न कर सकते हो साथ ही साथ आप इनकी एन को आपस में ट्रेड करके भी यहाँ पे पैसे कमा सकते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपको टू एम सी एल एन एफ टीज खरीदनी है 14th अक्टूबर से पहले है ना आप ऑटोमेटिकली

फिर डायरेक्टली सेल करते रहते तो हमने भी पर्सनली इस पर काफी ट्रेड किया है एंड ऑलमोस्ट डबल करें अपने पैसे तो, तो आप पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हो जम ट्रेड से रिलेटेड सो फॉर मोर डिटेल्स में क्या चल रहा है इकोनॉमी में एंड जनरल क्या मेरे थॉट्स हैं इस पे तो अगर हम देखें इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन इज राइजिंग ऑन एवरी कंट्री ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्फ्लेशन राइज कर रहा है स्पेशली यूरोप में पाउंड बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गया है एंड डीवेल्यूएशन ऑफ इज़ वेरी वेरी यूरोप को एक मल्टी ईयर बेयर रन में बात ही नहीं है अगर हम जनरल वर्ल्ड इकोमी देखें तो वॉर्स चल रही है एंड इन्फ्लेशन राइज कर रहा है कोविड की चीजें जो है अब जाके शॉर्कवे हैं तो यहाँ पे मार्केट आर गोइंग टू स्टेट टू प्रिपेर फॉर दैट एंड तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप डर के रहोगे तो फिर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके वैसे भी कोई पैसे नहीं बना पाता है मार्केट में अगर आप अच्छी लेते हो, तो वो बुल मार्केट में पे ऑफ तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेक श्योर टू तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द तो चैनल बाई बायोग